हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और 4th मार्च 2022 को शाम के 4:55 पर साइंटिस्टों ने देखा एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट बड़े ही तेजी से मून के तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं एंड बूम। इससे पहले साइंटिस्ट उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पता कर पाते, वो ऑब्जेक्ट मून से कोलाइड हो गया और इस कोलिजन में इतनी भारी मात्रा में एनर्जी बाहर निकली कि साइंटिस्टों का अनुमान है कि इसकी एनर्जी एक मुंबई जितने बड़े शहर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब जरा इस एक्सप्लोजन को देखो, देखने में ये एकदम नॉर्मल ही लग रहा है क्योंकि इसके पहले भी मून पर ऐसे कई सारे एक्सप्लोजन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस हादसे ने पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट ने मून के सरफेस में एक ही बार में 2 क्रेटर्स बना दिए हो और वो भी इतने बड़े हैं कि एक साथ उनमें 4-4 बड़ी बड़ी स्कूल बसेस आराम से फिट हो सकती है। अब जब नासा के साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें ये पता चला कि मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट और कोई नहीं बल्कि चाइना का ही एक रॉकेट बूस्टर है। नासा के मुताबिक ये एक ऐसा रॉकेट बूस्टर है जिसे शायद चाइना ने मून पर कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए भेजा था एंड उन दिनों राइवल कंट्रीज के स्पेस वॉर की वजह से ऐसे मून एक्सप्लोजन्स कई बार हो चुके थे। असल में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन के हिसाब से चाइना बड़ी चालाकी से अपनी सलामी स्लाइसिंग टेक्निक यानी कि स्टेप बाय स्टेप मून के कुछ एरियाज पर टेक ओवर करने की प्लानिंग कर रहा है। इनफैक्ट उसने इस प्लानिंग का पहला स्टेप सक्सेसफुली अचीव भी कर लिया। दरअसल मैं बात कर रहा हूं साल 2019 की, जब चाइना ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट चांगी 4 मून के फार साइड यानी कि वो साइड जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता वहां पर परफेक्टली लैंड करवाया और इस पॉइंट पर लैंड करने वाली चाइना वो पहली कंट्री बन गई। इस सक्सेस के बाद उसने तुरंत ही रशिया के साथ हाथ मिलाकर 2030 तक 2 और मून मिशंस को लॉन्च करने का प्लान भी बना लिया, जिसमें 2026 में मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग के साथ ही 2027 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह लूनर रिसर्च स्टेशन वहां पर एस्टैब्लिश करने की पूरी तैयारी चल रही है। अब ये दोनों भी कंट्रीज यूएस के कॉम्पिटिटर्स थे और इसीलिए अपने कॉम्पिटिटर की ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग को देखकर यूएस इनसिक्योर हो गया और वो ऐसा दावा करने लग गया कि इन मिशंस के साथ ही चाइना मून पर अपना कंट्रोल बना लेगा और कहेगा It is our now and you stay out. But friends, इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि यूएस किसी और पे इल्जाम लगा रहा है और दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। So, हमें ये क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि यूएस ऐसा किस बेसिस पर कह रहा है। यूएस ने तो सबसे पहले स्पेस में अपना डोमिनेंस दिखाने की शुरुआत की थी, जिसके लिए उसने लिटरली मून के टुकड़े टुकड़े करने का भी प्लान बना लिया था। आपको याद होगा यूएस का वो मून पर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने का प्लान। दरअसल 1950s की ये बात है जब रशिया और यूएसए का बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तब दोनों कंट्रीज के बीच एक और एक कॉम्पिटिशन शुरू था जो था द स्पेस रेस, जिसमें इनिशियली रशिया आगे चल रहा था क्योंकि स्पेस में पहला ह्यूमन यूरी गैगरिन को रशिया ने भेजा था, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुटनिक 1 को उसने लॉन्च किया था, सारे बड़े माइलस्टोन्स रशिया धड़ाधड़ करके अचीव कर रहा था। इनफैक्ट रशिया का पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 की लॉन्चिंग भी अमेरिका के स्काईलैब से 2 साल पहले हो गई थी। अब ऑब्वियसली ये रशियन सुपीरियोरिटी यूएस को कुछ खास हजम नहीं हुई एंड सो यूएस गवर्नमेंट ने इस पर कुछ मैसिव एक्शन लेने का ठान लिया। एक्शन का आइडिया बिल्कुल सिंपल था, मून पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन करो जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को नजर आए और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को यह समझ में आ जाए कि भाई यूएस इज द बाप। और इसीलिए उन्होंने 1958 में फिजिसिस्ट लियोनार्ड राइफेल, जिन्होंने आगे जाकर अपोलो मिशन को लीड किया, उन्हें और यूएस एयरफोर्स को सीक्रेट मिशन प्रोजेक्ट A119 के लिए अपॉइंट कर दिया। राइफेल का प्लान काफी सिंपल था, मून सरफेस पर एक न्यूक्लियर वेपन भेजकर उसके जरिए एक बड़ा एक्सप्लोजन करवाना। लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू होता उसके पहले ही अनफॉर्चुनेटली एंड थैंकफुली बंद करना पड़ गया, क्योंकि इसके प्लानिंग के दौरान ये बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई थी कि इस एक्सप्लोजन से फायदा तो बहुत कम होने वाला है लेकिन यूएस को एक बहुत बड़ा नुकसान फेस करना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर यूएस ने ऐसा एक्सप्लोजन कराया तो रशिया भी अपने सारे वेपन्स लेकर मैदान में उतर जाएगा एंड एज वी ऑल नो रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन्स है और सबसे ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी है। इसका मतलब एक स्पेस वॉर शुरू हो जाएगा
जिसमें यूएस ही हारने वाला है फाइनली। और इसके लिए इस प्लान को खारिज करके यूएस ने थोड़े और कंस्ट्रक्टिव मिशंस की तरफ अपनी आंखें मोड़ ली। यानी कि आप देख सकते हो कि सही वक्त पर सही डिसीजन लेने से यूएस आज एक स्पेस सुपर पावर बन चुकी है। और यही सेम स्ट्रैटेजी बिजनेसेस में भी अप्लाई होती है, जिसको सही तरीके से अप्लाई करने पर आपकी बिजनेस की ग्रोथ स्केल कर सकती है। एंड टॉकिंग अबाउट सही डायरेक्शन एंड स्केल, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, विच इज इररिप्लेसेबल, दैट इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड दैट्स वेयर That comes in. ये एक ऐसी AI driven SEO company है जो 1000 plus unique AI algorithms की मदद से आपके competitors की site, आपकी website और Google algorithms को analyze करके proper solution देता है, so that आपकी site Google search के page number 1 पर authoritative site consider की जाए। Datware पर आज 4500 से भी ज्यादा लोगों का भरोसा है और इसीलिए इसका retention rate 95% है। उसके लिए Datware 2 type के packages को provide करता है, 360 degree packages and enterprise. 360 degree packages है फॉर द बेसिक SEO एंड स्टार्टअप्स जो मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, और एंटरप्राइज है जायंट कॉर्पोरेशंस के लिए जो एग्रेसिवली कॉम्प्लेक्स कीवर्ड्स और ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट द ग्रोथ ऑफ योर कंपनी, डू विजिट देयर वेबसाइट। अगर आपने मेरा नाम गौरव एज अ रेफरेंस यूज किया तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल 360 डिग्री पैकेजेस एंड 50% ऑन एंटरप्राइज पैकेजेस। हाउ कूल इट इज टू स्केल अप योर बिजनेस थ्रू ऑटोमेटेड डिजिटल मार्केटिंग। हरी अप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब लौट आते हैं हमारे इस वीडियो पर। सो एक्चुअली नासा साइंटिस्ट जब मून को उड़ाने का प्लान कर रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि मून को उड़ाने से अच्छा क्यों ना हम खुद मून पर ही चले जाएं, क्योंकि ऐसा अब तक किसी भी कंट्री ने नहीं किया है और ना ही किसी कंट्री ने सोचा है। और फिर क्या था, इसी पल से अपोलो मिशन का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन यूएस की तरह किसी और कंट्री को मून को उड़ाने का ख्याल ना आए, इसीलिए यूएस ने चालाकी से 134 कंट्रीज को लेकर आउटर स्पेस ट्रीटी साइन कर ली। इस ट्रीटी के मुताबिक स्पेस में किसी भी प्रकार के मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स को यूज करना जुर्म है, और साथ ही मून या स्पेस पर किसी भी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं होगा और वहां पर सभी कंट्रीज को रिसर्च और एक्सप्लोरेशन का हक बराबर का होगा। बट इस पूरे ट्रीटी में एक मेजर ड्रॉबैक ये था कि इसमें स्पेस के सबसे बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया था, विच इज स्पेस डीब्रीज। अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो आउटर स्पेस ट्रीटी में स्पेस डीब्रीज पर कोई फर्म रेगुलेशन नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से आज सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि करंटली पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में 13 करोड़ से भी ज्यादा स्पेस डीब्रीज है जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं बुलेट की स्पीड में। इनफैक्ट अब तक इन डीब्रीज की वजह से 630 स्पेस कोलिजन ऑलरेडी हो भी चुके। अकेले नासा के रॉकेट बॉडीज ने ही मून के साथ 47 बार कोलाइड करके उस पर नए नए किस्म के क्रेटर्स फॉर्म कर दिए। और ऐसे में इन एक्सीडेंट्स और स्पेस डीब्रीज के एक्यूमुलेशन को कम करने के लिए दुनिया की सारी स्पेस एजेंसीज ने मिलकर फाइनली एक सोल्यूशन निकाला, जिसमें वो पुराने सैटेलाइट्स को इस तरह से कंट्रोल करेंगे ताकि वो अपने एंड स्टेज में पृथ्वी के ऐसे लोकेशन पर गिरे जो इस दुनिया का सबसे आइसोलेटेड पॉइंट हो, जहां पर किसी भी प्रकार की लाइफ का कोई नामो निशान ना हो। और साइंटिस्टों ने वो पॉइंट चुना पॉइंट नीमो। बेसिकली पॉइंट नीमो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच सिचुएटेड है। इस पॉइंट से 2700 किलोमीटर दूर दूर तक ना कोई लैंडमास है और ना ही पानी में किसी भी लाइफ का नामो निशान है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि लोकेशन सदर्न पैसिफिक जायर नाम के ओशन करंट का सेंटर पॉइंट है, जिस वजह से वहां पर न्यूट्रिएंट रिच वाटर फ्लो ही नहीं हो पाता, और इसीलिए स्पेस एजेंसीज ने यहां पर स्पेस डिब्रीज को डंप करने का फैसला किया। और अभी तक अराउंड 260 स्पेसक्राफ्ट्स इसी लोकेशन पर डंप हो चुके हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, ये सिर्फ उन्हीं स्पेसक्राफ्ट्स के साथ किया जा सकता है जो एंड तक ह्यूमन कंट्रोल में हो, और इसीलिए जो स्पेस जंक अपने कंट्रोलिंग सिस्टम से डिटैच होकर स्पेस में अकेले ट्रैवल करते हैं लाइक रॉकेट बूस्टर्स, उनके लिए स्पेस एजेंसीज ने एक नया मेथड डेवलप किया। इस मेथड में नासा की JPL यानी जेट प्रोपल्शन लैब सॉफ्टवेयर्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे प्रोजेक्ट प्लूटो को यूज करके स्पेस डिब्रीज की ट्रैजेक्टरी प्रेडिक्ट करते हैं। और इसी मेथड का यूज करके उन्होंने आज के हॉट टॉपिक चाइना रॉकेट बूस्टर और मून का कोलिजन प्रेडिक्ट कर लिया था। बेसिकली 2015 में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने पृथ्वी के करीब से एक अननोन ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करते हुए देखा। उन्हें इनिशियली इसे टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने पर लगा कि ये उस वक्त लॉन्च हुए SpaceX के फाल्कन 9 का रॉकेट बूस्टर है, जिसका इस्तेमाल नासा के डिस्कवर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किया गया था। लेकिन
ये कंक्लूजन गलत तब साबित हुआ जब प्रोजेक्ट प्लूटो सॉफ्टवेयर ने इसकी ट्रैजेक्टरी प्रेडिक्ट की। इस सॉफ्टवेयर ने रॉकेट बूस्टर से बाउंस ऑफ होकर रिटर्न आए हुए रेडियो वेव्स को कैप्चर किया और उन सिग्नल्स के बेसिस पर अलग अलग टाइम फ्रेम के दौरान उसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस कैलकुलेट की। फिर इस डेटा के बेसिस पर एक ट्रैजेक्टरी प्रेडिक्ट की कि फ्यूचर में इस रॉकेट बूस्टर का पैथ क्या होगा। तब उन्हें यह नजर आया कि ये तो स्पेसएक्स के बजाय चाइना के लॉन्ग मार्च 3C रॉकेट के पैथ से मैच कर रहा है। चाइना ने इस रॉकेट की मदद से चांगी 5T1 नाम का एक सैंपल स्पेसक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए मून पर भेजा था। तो जब इस रॉकेट बूस्टर का आइडेंटिफिकेशन हो गया तब उन्होंने इसके फ्यूचर ट्रैजेक्टरीज पर फोकस किया और देखा कि ये पृथ्वी के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है बिल्कुल इस तरह से। और अगर इसने ऐसे ही अपने ऑर्बिट में ट्रैवल करना कंटिन्यू रखा तो इसका मून से टकराना बिल्कुल तय है। उनके प्रेडिक्शन के हिसाब से ये रॉकेट बूस्टर मार्च 2022 में मून के हर्ट्सप्रुंग क्रेटर के करीब कोलाइड करने वाला था। And you won't believe, वही हुआ। कोलिशन के बाद इसका इम्पैक्ट चेक करने के लिए नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर को इसे स्टडी करने के लिए भेजा गया। बेसिकली LRO इंडिया के मार्स ऑर्बिटर की तरह मून को ऑर्बिट करके उसके फोटोग्राफ्स लेकर पृथ्वी पर भेजता है। तो इस केस में LRO ने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन साइंटिस्टों के सामने लाए। पहला ये था कि इस कोलिशन की साइट प्रिडिक्टेड लोकेशन से 16 किलोमीटर दूर थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जब स्पेस में ट्रैवल करते हैं तब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके दोबारा थर्मल रेडिएशंस फोटॉन्स के थ्रू एमिट करते हैं। इस एमिशन के चलते ऑब्जेक्ट की एनर्जी कम हो जाती है और साथ ही स्पीड भी, और इसीलिए वो प्रेडिक्टेड साइट से पहले ही कोलाइड हो गया। इसे एस्ट्रोनॉमर्स यारकोव्स्की ओकीफ रैडजिवस्की पैराग इफेक्ट कहते हैं। अब पहले प्रॉब्लम का सलूशन तो उन्हें मिल गया था, पर जब उन्होंने सेकंड प्रॉब्लम पर ध्यान दिया तब वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। अब नासा और US द्वारा सही टाइम पर लिए गए इस ऐतिहासिक डिसीजन ने उन्हें आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो इंसानों को मून पर तक लैंड करवा चुके हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स की दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इस कोलिजन के कारण मून पर एक नहीं बल्कि दो क्रेटर्स फॉर्म हुए थे। अब ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि आज से पहले जितने भी रॉकेट्स ने मून पर क्रैश किया है उनमें से किसी ने भी दो क्रेटर्स फॉर्म नहीं किए थे। ऐसे में साइंटिस्ट ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि शायद रॉकेट के दोनों एंड साइड्स में हाई मास कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है जिस वजह से कोलिजन के वक्त दो क्रेटर्स फॉर्म हुए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रॉकेट के क्रैश से पहले ही उसके दो टुकड़े हो गए हो जिससे उसने दो अलग अलग क्रेटर्स बनाए। अब क्योंकि ये रॉकेट चाइना का था तो इस मामले में जब उनके ओपिनियंस लिए गए ऑब्वियसली तब वो बातों बातों में पूरी दुनिया को घुमा रहे थे, कोई अलग ही ट्रैक पर लेके जा रहे। चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वैंग वेबिन ने इस पूरे घटना से ही अपना पल्ला झाड़ दिया, ये कहते हुए कि उनका रॉकेट का बूस्टर तो पहले ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकर डिस्ट्रॉय हो चुका है। नाउ वेल, चाइना से आप और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, बिकॉज वी ऑल नो हाउ रिस्पॉन्सिबल चाइना इज टू गिव अदर कंट्रीज द राइट इन्फॉर्मेशन एंड कोऑपरेट। बट फ्रेंड्स, जहां पर एक तरफ चाइना ऐसी हरकतें कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हट रहा है, वहीं पर इंडिया स्पेस डिब्रीज को कम करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाते हुए ऐसे रॉकेट्स को डिजाइन कर रहा है जो स्पेसएक्स रॉकेट्स जैसे रीयूजेबल होंगे। नाउ दिस इज एन एक्सट्रीमली बिग थिंग फॉर इंडिया, और अगर आपको इस बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। आई सजेस्ट यू गो एंड वॉच सो दैट यू आर अपडेटेड अबाउट इंडियाज मैसिव अचीवमेंट्स। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल ऑप्शन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।